कहते क्या है हम तुम्हारा, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। जेनर, कब होगा ट्रेलर रिलीज, क्या फाइनलाइज हुई फिल्म की रिलीज डेट, सभी सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे, बने रहे हमारे साथ। नमस्ते एंड सलाम, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। राधे श्याम आने वाली इंडियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन राधा कृष्ण कुमार, इस फिल्म का प्रोडक्शन यूवी क्रिएशन का अंडर होगा, जिसका प्रोड्यूसर वामसी कृष्ण रेड्डी, प्रमोद उपलापति, प्रसिद्धा उपलापति है। फिल्म का शूट हिंदी और तेलुगु में एक साथ हो रहा है। हिंदी में इस मूवी को भूषण कुमार टी सीरीज के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। कास्ट की बात करें तो प्रभास विक्रमादित्य के रोल में करते हुए नजर आएंगे। प्रभास अपने रोल को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। बाहुबली के दोनों पार्ट में प्रभास का रोल लोगों को काफी पसंद आया। बाहुबली के बाद प्रभास के काम को हर इंडस्ट्री में काफी सराहा गया। पूजा हेगड़े भी इस मूवी में नजर आने वाली हैं, जो प्रेरणा का किरदार निभाएंगी। पूजा हेगड़े ने आखिर बॉलीवुड मूवी हाउसफुल 4 की थी और उनकी आखिरी तेलुगु मूवी अलाई वेंकटपुरमुल्लो थी। तेलुगु सिनेमा में पूजा हेगड़े को काफी पसंद किया जाता है और बॉलीवुड में भी उनकी एक्टिंग लोगों को काफी अच्छी लगी। उनके साथ सचिन खेडकर, प्रियादर्शी पुलकोंडा, भाग्यश्री और मुरली शर्मा भी इस मूवी में नजर आएंगे। राधे श्याम का पहला पोस्टर भी फिल्म के डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने किया। वो एक मोशन पोस्टर था। पोस्टर देखे प्रभास के फैंस काफी खुश हुए। फिल्म का डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पे फैंस से मूवी से रिलेटेड सवाल करने को कहा। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें प्रभास के साथ काम करके कैसा लगा, तो उन्होंने कहा हाँ, ये उनका सपना था कि वह प्रभास के साथ काम करें। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रभास का लुक मूवी में देखने लायक होगा। लुक इस मूवी का सबसे बड़ा एसेट है। फैंस काफी क्यूरियस थे और जानना चाहते थे कि दूसरे पोस्टर्स और मूवी का ट्रेलर कब रिलीज होगा, पर उन्होंने कहा कि मोशन पोस्टर्स, टीजर्स, ट्रेलर्स जल्द आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए और हमें आप सभी को सही टाइम पे सरप्राइज करने दीजिए। राधे श्याम सिर्फ तेलुगु में ही नहीं बल्कि तमिल, मलयालम और हिंदी में भी आएगी। पोस्टर देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मूवी एक लव स्टोरी होगी। हिंदूज में राधे श्याम की जोड़ी तो कृष्णा भगवान और राधा की जोड़ी को माना जाता है। ये मूवी की कुछ शूटिंग जॉर्जिया में भी पूरी हुई, पर उसी दौरान पैंडेमिक हिट हुआ और फिर पूरी टीम सही टाइम से स्केड्यूल खत्म करके लॉकडाउन से पहले वापस आ गई। अभी कुछ समय पहले ही मूवी का इटली शूट रैपअप हुआ और बीबी उन्होंने हैदराबाद में शूटिंग शुरू करनी है। ये कपल स्क्रीन पे पहली बार देखने को मिलेगा। मूवी की रिलीज के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि 2021 के मिड में रिलीज होगी। तो अब फैंस को ट्रेलर का इंतजार है। देखते हैं फैंस का कितना इंतजार करना पड़ता है, मगर हाँ, जल्द आएंगे आपकी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अखिल दांगवाल ने।